कर्नाटक में तो 0% ब्याज दर पर वहां के मुख्यमंत्री उस समय भी येदुरप्पा जी थे, उन्होंने कर दिया था। यानी कृषि को लाभकारी बनाने का जो बड़ा सुधार कार्यक्रम अटल जी के दौर में शुरू हुआ था, उसे आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक नई ऊर्जा और ताकत देने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं मोदी जी के नेतृत्व में कृषि कल्याण की दृष्टि से लिए गए सारे कदमों की चर्चा तो नहीं करूंगा, मगर इस साल जो 3 नए कृषि कानून बने हैं उन पर अपनी बात थोड़ा विस्तार से जरूर करना चाहूंगा। इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज जहां चाहें वहां बेचने की सही मायनों में आजादी मिली है और अपनी फसल को बेचने में होने वाली समस्याओं का अस्थायी समाधान भी उन्हें मिला है। अब इस देश का किसान मंडी में अपनी मेहनत गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। इन कृषि कानूनों के बन जाने के बाद देश का हर किसान पूरे देश में कहीं भी यहां उसे बेहतर कीमत मिले अपनी फसल बेचने के लिए पूरी तरह से आजाद होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का कभी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसला कर उन्हें दूसरी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। पर हमारा विश्वास है कि जैसे जैसे हमारे किसान भाई इन कानूनों का उद्देश्य समझते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी चिंताएं दूर होती जाएंगी। वैसे 2 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े प्रभावी तरीके से इन कृषि कानूनों से जुड़ी सारी आशंकाओं को पूरी तरह से दूर कर दिया है। साथियों, इस ऐतिहासिक कृषि सुधार से उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है जो लोग किसानों के नाम पर अपने निहित स्वार्थ साधते थे, उनका धंधा खत्म हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर देश के कुछ हिस्सों में एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि हमारी सरकार MSP की व्यवस्था खत्म करना चाहती है, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। वह प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग द्वारा प्रस्तावित MSP फार्मूले को स्वीकार किया है और उसी फार्मूले के तहत देश में अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जा रही है। इसी साल या कानून लागू होने के बाद रबी की 6 फसलों की MSP की घोषणा की गई है, जिसमें लगभग 1.5 गुने से 2 गुने तक की MSP में वृद्धि की गई है। MSP खत्म करने का इरादा न इस सरकार का कभी था, न है और न आगे कभी होगा। यहां तक कि मंडी व्यवस्था भी कायम रहने वाली है। दुष्प्रचार करके किसानों को भड़काने की यह कोशिश कतई कामयाब नहीं होगी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा और उनकी जमीन का नहीं होगा, और जो करार करेगा यदि वह तय की गई राशि से कम भुगतान करेगा तो किसान उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार की मदद ले सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।